ऑल राइट, वेलकम बैक. सलाम अलैकुम. ऑल राइट, चलिए जी. अच्छा जी, कहाँ थे हम लोग? यहाँ इसमें थे ना, इसका कह रहे थे कि ये ओबी नहीं काम कर रहा, सब कनेक्ट हो जाए फिर ताकि डेमो दिखा दूं. ठीक है, ये कमेंटेड है अभी. ठीक है, और अब होना ये चाहिए कि 5 टाइम्स ये लूप चल रहा है. ठीक है, तो इसमें जो भी ओबी की वैल्यू सेट हो रही है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम टू, टू को 5 टाइम्स चले. ठीक है, और इसी तरीके से जब 2 को 5 टाइम्स चला लिया आपने, उसके बाद जब अगर ये ओबी रिसेट नहीं होगा तो ये उसी को कंटिन्यू करेगा. ठीक है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. ठीक है, तो ये होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ओबी रिसेट नहीं चल रहा, ओबी रिसेट मैंने भी कमेंट किया हुआ. ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एकदम. ठीक है, कि ये उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब ओबी रिसेट चल रहा था. ठीक है, तो मैं ओबी रिसेट को अनकमेंट करता हूँ. ठीक है, सेव करता हूँ और चलाता हूँ, तो देख लो. ठीक है, तो ये दोबारा रीसेट हुआ है. क्लियर है? मैं नाम भूल गया, शायद मुबीन का क्वेश्चन था या किसी और का था, आलियान का था शायद, तो ये देख लो. ठीक है, तो रीसेट बेसिकली वर्क कर रहे हैं. सही है, और इसको चेक करने का एक और भी जो है सिंपल ये है तरीका, जो यह बात आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही. एक मिनट रुको, मैं शेयर स्क्रीन ऑप्शन में ना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ. आवाज आ रहा है? ठीक है, आ रहा है ओवेस और मुबीन? ये देख लो, ये विद रिसेट है. ठीक है, और ये वो भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, तब ये देख लो रिसेट नहीं चल रहा, तो वहीं से कंटिन्यू कर रहा है लूप को. ठीक है, ठीक है, इसको वैलिडेट करने का एक और तरीका भी है. अनकमेंट कर दो, इस पे चेक पॉइंट लगाओ, इस पे चेक पॉइंट लगाओ, इस पे चेक पॉइंट लगाओ. इसलिए डिबगिंग, ये डिबगिंग करना आनी चाहिए, ताकि आप अपनी कोड की लॉजिक कहीं ब्रेक हो रही हो तो आप उसको चेक कर सकें. तो स्टार्ट में तो ये 0 है, और ये इंटरफेस डेमो बाय 2 नंबर्स पे कॉल होगा. ठीक है, चलाया, वेल पे आ गया, स्टार्ट की वैल्यू भी 0 हो गई, वेल की वैल्यू भी 0 हो गई. ठीक है, जब इस पे आया गेट नेक्स्ट पे, ठीक है, तो वेल की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 हो जाएगी. ठीक है, तो इसी वजह से जब गेट नेक्स्ट हम कॉल कर रहे हैं, तो 2 से ही लूप हमारा स्टार्ट हो रहा है. इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0, लूप हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, ये चलता रहेगा जब तक लूप की कंडीशन है. ठीक है, ये दोनों हमारे लूप्स हैं, और ये 104, 6, 8, 10 तक चलेगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा. ठीक है, ये ब्रेक पॉइंट्स लगाने से आप ये भी क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम कर रहा है. ठीक है, अच्छा, अब इसका लास्ट एग्जाम्पल जो एक और मैं दिखाना चाह रहा हूँ. ठीक है, अगर हम रिसेट या करना चाहें तो रिसेट की वैल्यू 0 हो जाएगी. अगर रिसेट, जहां भी रिसेट यूज करोगे ना, वहां पे रिसेट 0 कर देगा, वैल्यू 0 नहीं करेगा, मतलब गेट नेक्स्ट के ऊपर ले आएगा. ठीक है, गेट नेक्स्ट की स्टार्टिंग वैल्यू 2 है, तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा रिसेट. उसको पहले इस पे ले आएगा, स्टार्ट की वैल्यू जो भी होगी, और स्टार्ट की वैल्यू इनिशियली 0 है. ठीक है, तो 0 कर देगा, फिर उसके बाद इसको 2 2 के इंक्रीमेंट से बेसिकली चलाएगा. ठीक है, और इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करने की विद गेटर एंड सेटर. ठीक है, गेटर एंड सेटर के साथ किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं इंटरफेसेस को, वो भी देख लेते हैं. ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर लोग गेट एंड सेट के साथ इसको इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम जब सॉफ्टवेयर हाउस में मैंने इसको इंटरफेसेस को यूज करना शुरू किया था, मतलब इनिशियली, तो सबसे पहले गेट एंड सेट से ही मैंने स्टार्ट किया था.
इंटरफेस विद गेट एंड सेट, गेटर सेटर भी बोलते हैं, गेट सेट भी बोलते हैं, दोनों हैं ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो भी इसको नाम गेट सेटर बोले गेट सेट बोले आपकी मर्जी है ठीक है। तो उसकी एग्जांपल इंटरफेस बना लेते हैं पब्लिक इंटरफेस, आई सीरीज वही बना लेते हैं। गेट सेट यानी जो भी वैल्यू आएगी वो उसको गेट कर उसको सेट करता हूँ ठीक है। नेक्स्ट के हमने इम्प्लीमेंटेशन करी है उसको हेड कर लेते हैं, क्लास टूल्स कॉलम आई सीरीज ठीक है। वेल जीरो सिर्फ रख रहे हैं, नेक्स्ट के लिए हमने भी फिलहाल स्टार्ट इनिशियलाइज नहीं करा है, स्टार्ट के लिए हम जो नेक्स्ट की इम्प्लीमेंटेशन है उसी में काम कर लेंगे। पब्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट वेल और उसके बाद वैल्यू सेट हो गया और उसको क्लोज कर दिया सेट को हमने ठीक है। आइए नेक्स्ट क्लोज हो गया ये हमारा क्लास सीरीज मेन मेथड बना लेते हैं इसमें और बाय टूस इक्वल्स टू न्यू ये इक्वल्स टू न्यू टूस बाय टूस ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कर लिया सिंपल फॉर लूप लगा देते हैं जैसे प्रिंट करने के लिए लास्ट टाइम हमने यूज किया था एंड आई इक्वल्स जीरो आई इज then 5 plus scope console right line next is next OB नेक्स्ट ठीक है। यहाँ पे हमने गेटर सेटर के थ्रू उसको सेट किया है, ये यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे एज हमने इसको रेफरेंस यूज कर रहे हैं। अच्छा सो ये मेथड नहीं है, लूप हो गया ठीक है। उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन स
स्टार्टिंग फ्रॉम 21, वो भी डॉट नेक्स्ट, लूप आएगा इस ओवी वाली बात को प्रिंट कराने के लिए, और जो नेक्स्ट हमने सेट किया है, I equals to 0, I is less than 5, I plus plus, नेक्स्ट वैल्यू इज ठीक है, बाकी एक क्लोज हो गई क्लास, ठीक है, यहाँ पे आपकी क्लास एंड हो गई। एक दफा मैं रिकैप कर देता हूँ मैंने किया क्या है, ताकि अगर स्लो लगा तेज लग रहा हो, एक इंटरफेस बनाया हमने, उसमें हमने सिर्फ एक मेथड कि हमने बेसिकली स्पेसिफिकेशन लिख दी कि नेक्स्ट के नाम से, और गेटर सेटर को यूज करते हुए उसकी वैल्यू को हमने सेट करवा लिया। देन इस इंटरफेस को इनहेरिट किया, बाय टूज वैल्यू सेट करी थी 0 स्टार्टिंग, ठीक है, और नेक्स्ट का जो बेसिकली ये इम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पे हमने इसकी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी। गेटर में हमने वैल्यू वाला काम कर दिया, वैल्यू जो भी हो प्लस इक्वल्स टू 2 और रिटर्न कर दो वैल्यू, और सेट में हमने जो भी वैल्यू वो वैल्यू सेट हो जाए। फिर हमने मेन क्लास बना, एक और क्लास बनाई जिसमें हमने बेसिकली मेन मेथड बनाया, और उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया बायटूज का, और उस बायटूज के ऑब्जेक्ट को बना के हमने वैल्यूज को प्रिंट कर लिया। एक दफा हमने नॉर्मल 2, 10, 2, 4, 6, 8, 10 और एक दफा 21, ये ऑड सीरीज चलेगी 21 से, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 21, 23, 25, 27, 29, 31, ठीक है, तो ये बेसिकली वही काम जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में किया था गेटर एंड सेटर से किया, ठीक है। तो अगर आपको गेटर एंड सेटर से रिस्ट्रिक्शन दी हुई है, जिस तरीके से मिड टर्म में दी हुई थी गेटर एंड सेटर यूज करने का उससे नंबर 4 के अंदर, तो उस तरीके से गेटर एंड सेटर को यूज करा जाएगा, ठीक है। तो खैर इंटरफेसिस के साथ है वो सिंपल एग्जांपल, ठीक है, क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। मैं कोड नीचे कर रहा हूँ, ये ले कोड, में इंशाल्लाह मुझे बस रिमाइंड करा देना एक दफा, मैं इंशाल्लाह जरा शेयर कर दूंगा, हमेशा रह जाता है, मिड टर्म में भी महादेव को मैंने बोला था मैं शेयर दूंगा शेयर, लेकिन वो बस कुछ ना कुछ काम, ऑब्वियसली पढ़ाने के बाद भी और काम भी होते हैं, अपने पढ़ने के काम भी होते हैं, तो फिर उसमें रह जाता है बीच में। ठीक है, अच्छा एक दो चीजें डिस्कस करनी थी, वो ये थी कि प्रोजेक्ट आप लोगों ने जो भी प्रपोजल दिए हैं, जितने बच्चों ने भी, उन प्रपोजल्स पे फाइनलाइजेशन काम का काम करना शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है। मैं वहां आता नहीं हूँ, हारिस यूनिवर्सिटी मेन कैंपस नहीं आता, मैं नॉर्थ में होता हूँ वैसे, और नॉर्थ में भी मैं नहीं जा रहा हूँ, लॉकडाउन में नहीं जा रहा, संडे को शायद जाऊंगा, FIB के दो स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, तो दो प्रोजेक्ट्स हैं, तो उनको स्टूडेंट्स से मीटिंग करनी है, तो शायद संडे को मैं जाऊंगा वहां पे नॉर्थ कैंपस में, मेन कैंपस में तो मैं नहीं आता, नॉर्थ आ सकते हो तो नॉर्थ में आ जाओ अगर आप मिलना चाहते हो, पता नहीं, मुझे तो यूनि ओपन हो गई तो फिर आऊंगा मेन कैंपस, और क्या। नोमान मैं चेक कर लूंगा, आप ईमेल कर दो आयशा, जो भी प्रोजेक्ट की डिस्कशन करनी हो प्रोजेक्ट से रिलेटेड आप ईमेल कर दो मुझे, मैं ईमेल पर रिस्पॉन्ड कर दूंगा, ठीक है, ईमेल पे कर सकते हो। माइलस्टोन 1 के अंदर कमेंट का ऑप्शन है, प्राइवेट कमेंटिंग का, उस प्राइवेट कमेंट में आप पूछ सकते हो। मैं संडे को आऊंगा नॉर्थ कैंपस में इंशाल्लाह, लैब्स के लिए ओपन हो रही है ना, तो लैब्स, मेरी लैब का एक भी कोर्स नहीं है, मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ हर कोर्स की, लैब नहीं पढ़ाता हूँ, लैब
लैब इंस्ट्रक्टर्स पढ़ाते हैं, वो लैब इंस्ट्रक्टर्स आएंगे, इंडिविजुअल बना लो मर्जी है, और अगर साथ बनाना चाहो साथ बना लो। महादेव अगर कोई क्वेश्चन है टॉपिक से रिलेटेड तो यही पूछ लो, अगर कोई और क्यूरी है तो फिर आप उस पर ईमेल कर दो तो बेहतर है। एब्स्ट्रैक्शन की कोई स्मॉल वाली लॉजिक करवा दें। एब्स्ट्रैक्शन की स्मॉल लॉजिक तो करवाई थी मैंने, हाली वो मेन जो क्लास थी उसी को मैंने अपडेट करके उसकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दी, और उसमें मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया उसमें, मैंने सिंपली मैं ओपन करके दिखा भी देता हूँ, मॉर्फेड ओवरराइडिंग एक्सटेंडेड यूज किया था ना। एब्स्ट्रैक्ट यूज क्यों कर रहे हैं ये समझ नहीं आया। मैंने ये कि डिस्क्रिप्शन में कहा था आप लोगों से कि एब्स्ट्रैक्ट हम जब यूज करते हैं जिस तरीके से अभी इंटरफेसेस हमने यूज करे, अब इंटरफेसेस में हम क्या कर रहे हैं कि हम लोग डेफिनेशन नहीं बता रहे, उसकी डिटेल्स बता रहे कि जो मेथड होगा वो बेसिकली रिटर्न क्या करेगा, क्या मेथड होगा, किस टाइप का मेथड होगा, जबकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम लोग डेफिनेशन बताते हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स नहीं बताते। तो इसीलिए मैंने बोला कि इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एक दूसरे का वाइस वर्सा है, ठीक है। एक इंटरफेसेस में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन दिखा रहे होते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर या एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल के बजाय खाली उसकी डेफिनेशन के ऊपर बात कर रहे होते हैं, खाली उसको डिफाइन करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बेसिकली हम लोग वो करते हैं क्या कहते हैं जो भी हमारी ओवरराइडिंग राइडेड क्लास है उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में क्या इम्प्लीमेंट नहीं होगा आलियान, और एब्स्ट्रैक्शन में इम्प्लीमेंटेशन की जो मैंने पॉइंट बताया था स्टैटिक मेथड जो होता है वो आप नहीं कर सकते एब्स्ट्रैक्ट क्लास में यूज, और इसी तरीके से जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं उसमें आपको वर्चुअल यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वर्चुअल होता है। इसकी ही मैं छोटी सी एग्जांपल एक बना लेता हूँ, मैं उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, ठीक है। मैं एक नई नया वो बना लेता हूँ प्रोजेक्ट छोटा सा, आप लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ओवरव्यू ताकि क्लियर हो जाए। ठीक है आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ले, एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए, ठीक है। इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास ए के अंदर आप वो बना लें कोई भी प्रॉपर्टी बना लें, कोई भी वेरिएबल बना लें, ठीक है, इंटीजर नंबर ये नॉट वेरी एग्जांपल कोई यूज कर लेते हैं, और इसी तरीके से ये नंबर हो गया, इसके अलावा एक मेथड बना लेते हैं, ठीक है, लिख इंट और ईमेल नंबर, ठीक है, और ये नंबर को एज अ पैरामीटर लेगा, ठीक है, जीरो कर देते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एरर इज अ फील्ड बट यूज लाइक अ टाइप, अभी भी एरर है, इसमें
से हटा दो। अच्छा जी, नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न द वैल्यू, ठीक है। इसमें ये भी कर लेते हैं, एल्स ब्लॉक भी बना लेते हैं, एल्स कंसोल लाइन और ठीक है। और ये हो गया आपका एक्सट्रैक्ट मेथड, ठीक है। अब एक क्लास बना लेते हैं। अच्छा, मैंने ये किया, मैंने इसको इस क्लास में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी ना, इसको मैं एक मिनट रुको, इसको मैं और बेहतर कर देता हूँ, कोड को कट कर ले, इसको एक्सट्रैक्ट क्लास ए, इसमें एक मेथड बना देते हैं, जस्ट जो हम कर रहे थे पहले लास्ट एग्जाम्पल में भी, इवन इवन और इसकी रिटर्न टाइप भी नंबर, ठीक है। अब इसकी एक और क्लास बना लेते हैं जिसमें इसको इनहेरिट कर लेते हैं। ये बेस क्लास बन गई हमारी, ठीक है, ये हमारी बेस क्लास बन गई, ठीक है। अब एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास बी और ठीक है। और इसमें हम क्या कर लेते हैं, इसमें हम सिंपली इसके जो मेथड है हमारा उसको ओवरराइड कर देते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट की जगह आप कर देंगे इसको ओवरराइड, ठीक है, ओवरराइड हो जाएगा। यहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, यहाँ पे इसको ओवरराइड कर दिया हमने, ठीक है। अब एक मेन मेथड बना लेते हैं जिसमें इसको प्रिंट, जो उसमें इसका प्रिंटिंग का काम कर लेते हैं। तो क्लास चेकिंग इवन, ठीक है, इसमें आप बना दें स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। बी का कर लेते हैं, बी ओ बी इक्वल्स टू न्यू बी, ठीक है। अच्छा, इसको कंसोल पे अगर करना है ना प्रिंट, तो नंबर को हमने एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो इस नंबर को एज आर्ग्यूमेंट के बजाय नंबर की वैल्यू सेट कर देते हैं आसान करने में, ठीक है। कोड में दोबारा पूरा भी समझा दूंगा, ठीक है, अभी मैं इसकी लॉजिक कंप्लीट कर लूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। कंसोल नंबर ना,
मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे आप यूजर इनपुट भी ले सकते हैं के मतलब जो भी यूजर इनपुट हो उसकी बेस के ऊपर ये इवन ऑड चेक कर ले। सिंपली क्या किया, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, उसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया, ठीक है, जिसमें खाली इवन नंबर बता दिया कि इवन नंबर है, यानी उसका खाली बता दिया कि एक मेथड है, डेफिनेशन दे दी उसकी। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने इसको इसी मेथड को ओवरराइड करा, ठीक है, पब्लिक ओवरराइड इंटीजर इवन नंबर, और उसमें मैंने इसकी पूरी इम्प्लीमेंटेशन लिख दी कि नंबर एक है उसकी वैल्यू मैंने 2 सेट कर दी अभी फिलहाल, ठीक है खुद ही। और यहाँ पे आप यूजर इनपुट का की लाइन भी लिख सकते हैं, यूजर डॉट रीड लाइन कर लें आप यहाँ पे, कंसोल डॉट रीड लाइन सॉरी, और उसके बेस पे कंडीशन चेक करा लें, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन चेक करिए, जो भी नंबर की वैल्यू है अगर वो 0 है तो इवन नंबर लिख दे, एल्स ऑड नंबर लिख दे और रिटर्न कर दे नंबर को, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप हमें रिटर्न करवानी है। देन क्या किया, फाइनली इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसकी, इसको यूज करने के लिए हमने बी को ऑब्जेक्ट बनेगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है, तो बी का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसमें हमने उसके थ्रू हमने इवन नंबर को बेसिकली जो ओवरराइडेड राइडेड वर्जन है उसको बेसिकली कॉल कर लिया, ठीक है। ये चलेगा तो उसमें देख लेते हैं क्या आएगा। तो नंबर इवन नंबर और नंबर इज इवन टू, ठीक है, वो इसलिए आया इवन नंबर इस यहाँ जब ये चला, जब ये कंडीशन पास हुई इसलिए आया, और नंबर इज इवन और जो भी नंबर की वैल्यू थी वो आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो रिटर्न उसने कर रहा नंबर 2। अगर आप इसमें स्पेस भी कर दो तो ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। इवन नंबर बेशक इसको चलो कमेंट भी कर दो और आसान कर देते हैं इसको, ठीक है, नंबर इज इवन टू। क्लियर है, जो सिंपल एग्जांपल चाह रहे थे अभी थोड़ा सिंपलर वर्जन इंप्लीमेंट किया है रेक्टेंगल वाली कॉम्प्लेक्स क्लास के मुकाबले में, ओवेस और बाकी स्टूडेंट्स क्लियर है, क्लियर है कैसे यूज करेंगे। अब यहाँ पे अगर इंटरफेस करना होता भाई तो इंटरफेस की जगह यहाँ पे आप इवन नंबर की बताते खाली इंटीजर और ये इवन नंबर, बाकी एब्स्ट्रैक्ट वगैरह नहीं लिखते, बाकी आपकी इम्प्लीमेंटेशन वहां पे फिर क्लास में हो जाती, ठीक है। अच्छा, प्रोजेक्ट की बात मैंने कर ली, ठीक है, एक अब छोटा सा दूसरा काम है वो ये है कि आप लोगों के लिए एक क्विज है, ताकि क्विज का कोटा कंप्लीट हो जाए और हम लोग सुकून से कोर्स को फोकस कर सकें। नंबर 3 ओप, ठीक है, मैं इसका लिंक भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, पहले क्वेश्चन समझा दूँ क्योंकि नॉर्मली आप लोग सैरियों में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं पहले समझा देता हूँ करना क्या है और मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, कि वरना स्टूडेंट बाद में बोलते हैं सर आप बता दिया करें, ठीक है, नहीं कोई आज लेना है, अब ये इस क्लास में लेना है, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक और क्विज देख लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, लेट्स कंसिडर यू आर वर्किंग विद अ कार कंपनी, आप एक कंसिडर करें आप एक कार कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कार कंपनी 3 गाड़ियां बनाती है, कार कोर माज नाज, ठीक है। तो मैं टाइम दे देता हूँ उसके लिए, ठीक है, सबमिशन के लिए, लेकिन आज ही करो ताकि इसको और भी कुछ लेने मैंने, ठीक है, नहीं, आज दे दो खत्म करो यार, टाइम दे रहा हूँ ना अभी भी, तो टाइम है, मिलाद भी है, ठीक है, मैं मिलाद में जाने से मना कब कर रहा हूँ, मिलाद में जाना अच्छी बात है, जाओ मिलाद में, मेरी तरफ से भी दुरूद शरीफ पढ़ना है एक्स्ट्रा, लेकिन अब ये चीज तो है करनी है, कोई मसला नहीं, कर लो ट्राई करो, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, कोर माज नाज 3 कार बनाती है, कोर इलेक्ट्रिक कार है, माज हाइब्रिड कार है, नाज नॉर्मल कार है। अब आपको मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के प्रिंसिपल्स को यूज करते हुए ऐसा सॉल्यूशन प्रोपोज करना है जो इन तीनों कार्स के जो इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव है उसे इम्प्लीमेंट कर दे, ठीक है। असाइनमेंट में 0 कब दिए, मैंने असाइनमेंट के तो मार्क्स ही नहीं दिए भाई अभी तक, असाइनमेंट में कैसे 0 आ गए तुम्हारे जफीर, मैंने असाइनमेंट नहीं लिया, ठीक है। तो सिंपल सिनेरियो है भाई, 3 का एक कार बनाना है, ठीक है, कार की एक कंपनी है, वो 3 कार बनाती है, कोर माज नाज, कोर इलेक्ट्रिक कार है, माज हाइब्रिड कार है, नाज नॉर्मल कार है, मेथड ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हुए आपने इसका सॉल्यूशन प्रपोज करना है, ठीक है। तो क्या होगा सॉल्यूशन, ये आप लोग अपना जहन लड़ाएं, दिमाग लड़ाएं, दिमाग इस्तेमाल करें और इसका सॉल्यूशन प्रपोज करें। इसका मैं लिंक आप लोगों से
शेयर कर देता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में कोड लिखोगे ना, ऑब्वियसली भाई सॉल्यूशन में कोड लिखोगे, और ये सबकी इंडिविजुअल कॉपी होगी। मैंने लिंक शेयर कर दी है, अटेंडेंस मुझे दे दें आप लोग, और ये आप मुझे सबमिट करवा दें 5 बजे तक, ठीक है। मेन में तो तुम कॉल करोगे ना उसको, सबको। नहीं, 6 नहीं, 6 नहीं, 6 लेट हो जाएगा, 6 लेट हो जाएगा, 5 ठीक है। तुम लोग हमेशा रोते रहते हो, कितनी बार बोलूं, 5 पे आएगी लाइट। मैटर ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग पढ़ाया तो है भाई, अभी भी ओवरराइडिंग करके एग्जांपल दिखाई है के बंदे। 6 बजे तक दे दो, ठीक है, 6 बजे तक दे दो बस, खुश। छह बजे तक तो कर लोगे ना सारे? 6 बजे तक तो काफी है टाइम, 3 घंटे दे रहा हूँ एक्स्ट्रा। अल्लाह आपको सेहत दे उस्मान, अल्लाह आफियत फरमाए, वही कर सकते हैं। चले जाओ एक्सरे के लिए, एक्सरे में कौन सा टाइम लगता है बहुत, उसके बाद आके कर लेना। 6 बजे तक का टाइम दे तो दिया, 6 बजे का टाइम दे दिया ना, 6 बजे तक काफी नहीं है? और मेहरबानी करके नेट से नहीं छापना भाई, खुद करना। अगर नेट से छापोगे फिर जीरो होंगे, फिर बाद में बोलोगे कोड हमने किया था, कोड उसने किया था। मैं पहले चेक करूंगा कोड का, बता रहा हूँ पहले से, प्लेज नहीं होना चाहिए, खुद करो। कैट नेट पे नहीं है ये सिनेरियो, वैसे भी देख लो, मैंने खुद बनाया है। हो सकता है इससे मिलता जुलता मैं वैसे ही मिल जाए, लेकिन मैंने नेट से नहीं बनाया। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होगी। इस वीक के लिए हम लोग इंटरफेसेस हमने पढ़ लिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस हमने पढ़ ली, ठीक है, तकरीबन हमने चीजें पढ़ ली हैं। दोनों जरूरी है या कोई एक भी चलेगा? दोनों यूज कर लो तो ज्यादा अच्छी बात है, दोनों यूज कर लो तो ज्यादा अच्छी बात। हाँ लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस हो गई है, लीव कर सकते हैं। दोनों यूज कर लो तो बेहतर है एमन, अगर वरना एक भी यूज कर लो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन दोनों में से एक एटलीस्ट होना चाहिए यूज, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज।